क्या विजय देवकोंडा की दुल्हनिया बनेंगी नेशनल क्रश रश्मि का मंदाना, सात फेरे लेने की कपल कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ, इन दिनों मनोरंजन जगत में शादियों का सीजन चल रहा है। बीते दिनों कई बॉलीवुड सेलेब्स शादी के बंधन में बंध चुके हैं, तो वहीं इन दिनों साउथ के सुपरस्टार विजय देवकोंडा और महज 25 साल की उम्र में नेशनल क्रश का टैग हासिल करने वाली रश्मिका मंदाना की शादी के चर्चे भी जोरों पर हैं। इन खबरों को हवा तब मिली जब हाल ही में दोनों को मुंबई में डेट पर जाते हुए देखा गया है। इससे पहले दोनों ने नए साल का जश्न गोवा में एक साथ मनाया था। अक्सर रश्मिका और विजय साथ में नजर आते हैं। इस तरह दोनों को साथ देखकर हर कोई उनकी रिलेशनशिप और उनकी शादी को लेकर बातें कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कपल को लेकर तो चर्चा ऐसी भी हो रही है कि दोनों इस साल के अंत तक शादी कर सकते हैं। अब भले ही फैंस दोनों एक्टर्स की शादी तक पहुंच गए हों, लेकिन अभी तक ना तो रश्मिका और ना ही विजय दोनों ने अपने रिलेशनशिप्स को कंफर्म नहीं किया है। हाँ, विजय देवकोंडा ने शादी की खबरों पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ी है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय देवकोंडा ने ट्वीट करके लिखा कि हमेशा की तरह बकवास, क्या सिर्फ हम ही लव द न्यूज। लेकिन बड़े अनोखे अंदाज में इस खबर को उड़ाने वालों को जवाब भी दिया है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी कर सकते हैं। बता दें कि फैंस को रश्मिका और विजय की जोड़ी बेहद पसंद आती है। दोनों ने दो सुपरहिट फिल्मों गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में एक साथ काम किया है। इन दोनों फिल्मों में इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इन फिल्मों के बाद से ही दोनों का रिश्ता चर्चा में है। दोनों को साथ में कई बार स्पॉट किया गया है। साथ में दोनों कई बार छुट्टियां मनाते हुए भी दिख चुके हैं। इन तमाम बातों के बाद भी दोनों ने कभी भी प्यार वाली बात स्वीकार नहीं की है। लेकिन अब फैंस इस जोड़ी को शादी के बंधन में बंधते देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय देवकोंडा अपनी आने वाली फिल्म लाइगर की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें अनन्या पांडे भी नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही है। वहीं रश्मिका मंदाना भी अभी अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता के साथ फिल्म गुड बाय की शूटिंग कर रही है, जिसका डायरेक्शन विकास बहल कर रहे हैं। इससे पहले वो पुष्पा द राइज में नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने नखरे और तेवर दिखाकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनों की छुट्टी कर दी। इस फिल्म के बाद रश्मिका के चर्चे इन दिनों हर जगह हैं। अब रश्मिका का नाम भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।